Hello students, today in this video I will explain what are proper fractions and how do we form the proper fraction, so its meaning and its application. मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई थी, जिसका एक मैं क्विक रीकैप दे देती हूँ. डेफिनेशन होती है फ्रैक्शन की, अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और यू कैन राइट अ पार्ट ऑफ अ होल. और फ्रैक्शन फॉर्म करने के लिए हमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर फॉर्म करना होता है. जैसे ये नंबर लिया है 5/12, जिसके अंदर डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है वो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन दिखाता है, और न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा है वो टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स ले लीजिए, अनशेडेड ले लीजिए, कंज्यूम्ड, लेफ्ट, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन विच इज़ बीइंग मेड. अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. देयर आर मेजरली टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का एक और तरीका है, उस तरीके को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर नंबर देखने में कुछ ऐसा लगता है, इसके अंदर हम होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट अलग अलग कर सकते हैं. वो बाद की बात है, उसको मैं और डिटेल में समझाऊंगी जब मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ाऊंगी. ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन, कि प्रॉपर फ्रैक्शन आखिरकार होती क्या है. प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए पहले इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे. इट सेज प्रॉपर फ्रैक्शन इज द नंबर रिप्रेजेंटिंग द पार्ट ऑफ अ होल. पार्ट ऑफ अ होल, कुछ पार्ट पूरी चीज का. इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर शोज द नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू व्हिच द होल इज डिवाइडेड एंड द न्यूमरेटर शोज द नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव टेकन आउट. जैसे मैं कोई नंबर लिखती हूँ 3/4, तो 4 तो डिनोट करेगा जिसके अंदर वो पूरा का पूरा पार्ट्स का डिवीजन हुआ है. जैसे होल पार्ट है उसको चार पार्ट्स में, जैसे कोई सेब है, सेब को चार भागों में काटा गया है तो चार उसके पीसेस बन जाएंगे, जिसमें से तीन खा लिए गए. हाउ मेनी हैव बीन टेकन आउट. तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है बच्चों, कि आपके नंबर ऑफ पार्ट्स के जो डिवीजन हैं वो नीचे आते हैं और जितने यूज़ हो गए हैं वो ऊपर आते हैं. अब आप बोलेंगे वो तो हमेशा ही होता है, तो अगर हम 4/3 लिखें तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, वो इम्प्रॉपर है. और इम्प्रॉपर के अंदर एक क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी ली जाती है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक ही कमोडिटी के टुकड़े करे गए हैं और उसमें से कुछ टुकड़े लिए गए हैं. तो इसके लिए हमेशा हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से. तो आप ये फैक्ट ध्यान रखिए. देयरफॉर इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर. जब आपको क्वेश्चन आएगा कि दैट यू रिकग्नाइज द फ्रैक्शन, देन यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, कि आप चेक करेंगे कि न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर से छोटा है. अच्छा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने में अंडरस्टैंडिंग आएगी. जैसे पहले क्वेश्चन है, गिव अ प्रॉपर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 7. व्हेन यू राइट एनी फ्रैक्शन then it is always denoted by numerator upon denominator. Now he is clearly saying that numerator is 5. वो बता रहा है कि numerator 5 है, तो 5 ऊपर लिखना चाहिए कि नीचे लिखना चाहिए? Obviously ऊपर लिखना चाहिए, क्योंकि जहाँ n लिखा है उस जगह पे तो डालेंगे आप, और denominator है 7, तो ये 7 इधर आ गया. तो फ्रैक्शन क्या बनी? 5/7,
is it a proper fraction? Yes, it is a proper fraction because the numerator is smaller than the denominator. एक बार मैं फिर बताना चाहूँगी, जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, किसी एक क्वांटिटी के ही हिस्से करे जाते हैं, और जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ जाती है. अगर आप किसी चीज़ में से सात हिस्से कैसे ले सकते हैं अगर उसके पांच ही हिस्से करे गए हैं? नहीं ले सकते ना. तो उसके अंदर वो क्वांटिटी दो होगी, तीन होगी, चार होगी, ज़्यादा होगी. तो लेकिन अभी हम सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए. अब भी पार्ट करते हैं, हुज डिनोमिनेटर इज नाइन एंड न्यूमरेटर इज फाइव. अब देखिए इसने उल्टा लिख दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी अलर्टनेस होनी चाहिए. आपको पहले लिखना है फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. अब इसने पहले डिनोमिनेटर दे दिया, तो आप पहले डिनोमिनेटर नीचे डाल दीजिए और न्यूमरेटर ऊपर डाल दीजिए, तो फ्रैक्शन बन गई 5/9. सो दिस इज द आंसर ऑफ द बी पार्ट. क्लियर? ओके, सो जस्ट गिव मी अ टाइम टू रब दिस. नाउ वी मूव टू आर नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. अ फ्रैक्शन इज गिवन, हाउ विल यू डिसाइड जस्ट लुकिंग एट इट वेदर द फ्रैक्शन इज लेस देन वन और इक्वल टू वन? चलिए अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैंने एक नंबर लिखा, ऊपर वाला नंबर ले रही हूँ 5/7. अब मुझे देखने से कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर वन से कम है? वो आपको पता चलेगा अगर आप कॉन्सेप्ट डिवीजन का यूज़ करें. जब तक ऊपर नीचे की क्वांटिटी सेम नहीं हो जाएगी, ये जो लाइन है ये क्या डिनोट कर रही है? ये डिनोट कर रही है डिवीजन. ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइज़र है. तो अगर आप सात को सात से डिवाइड करेंगी तो ही तो क्वोशेंट वन आएगा. और अगर कोई भी नंबर सात से छोटा लिखा होगा तो वन से कम क्वोशेंट आएगा. वन से कम क्वोशेंट आने का क्या मतलब होता है, इसको मैं क्लियरली एक बार करके दिखाती हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस, लाइक व्हेन आई राइट 5/7, देन 5/7 मींस दैट 5 इज बीइंग डिवाइडेड बाय 7. यही होता है ना इसका मतलब. ये आपका डिविडेंड हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया. तो 705 से नहीं जाएगा, तो हमें ये आगे डिवीजन हम कर ही नहीं सकते. और अगर ये 5 की जगह 7 होता, इसको हम डेसिमल डिवीजन से करेंगे. अभी डेसिमल डिवीजन सिखाएंगे तब हम इसको डेसिमल डिवीजन से करेंगे. लेकिन अगर ये 7/7 होता और मैंने 7 से 7 को डिवाइड किया होता तो रिमाइंडर तो 0 आ जाता. और यहाँ पे हम आंसर क्या लिखते हैं, कोशेंट का, तो वो 1 आ जाता. तो 7/7 गिव्स द आंसर 1. एंड इफ़ एनी नंबर इन द न्यूमरेटर इज लेस देन 7, कोई भी नंबर अगर न्यूमरेटर में है जो कि 7 से छोटा है, 6 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 3, 4, 2, 1, इनमें से कोई भी डिजिट अगर ऊपर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है 5/7 लिया है ना, तो इसकी क्वांटिटी हमेशा लेस देन 1 आएगी क्योंकि 7/7 इक्वल टू 1 है. अगर आपको डेसिमल डिवीजन आती है तो यहाँ पे आप डॉट लगाएंगे, ये 50 आ जाएगा. और फिर आप ये 7/7 49 करके इसकी डिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं. बट ये 0.7 आएगा विच इज़ लेस देन 1. सो सीइंग दिस आई कैन से इट सेज अ फ्रैक्शन इज गिवन, हाउ विल यू डिसाइड whether the fraction is less than 1. So you will write, if the numerator is less than the denominator, then the fraction is less than 1. Okay? And when will you say that it is equal to 1?
इट इज बी पार्ट व्हेन द न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू वन. बेसिकली आप कितनी भी फ्रैक्शंस बना सकते हैं, 23/23, 11/11, 8/8, क्योंकि 8/8 क्वेश्चन आपका 1 आएगा, सर सब सिचुएशन में 1 ही आएगा. तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाएगा तो आंसर 1 आएगा. ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज फिल अप यूजिंग ग्रेटर और लेस. अब देखिए 1/2, अभी ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये 1 है और ये 1/2 है. तो क्योंकि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है तो इसकी वैल्यू तो लेस देन 1 आएगी ना, और 1 से ही हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये छोटा हो जाएगा. और आप खुद ही सोचिए, पूरी एक क्वांटिटी में से अगर हम आधी लेते हैं तो आधी क्वांटिटी तो हमेशा एक से छोटी होगी ना. चलो अब हम चलते हैं बी पार्ट पे. नाउ इट सेज 3/5, अगेन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1. ये हम लिख भी लेते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी गुड नोट पॉइंट. द नोट पॉइंट इज वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1. जहां आपने फ्रैक्शन को प्रॉपर देखा आप क्लियरली उसको लेस देन 1 लिख सकते हैं. नाउ 7/8, अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 1 उससे ग्रेटर होगा. जिस तरफ ग्रेटर होगा उस तरफ मुंह खुला होगा ग्रेटर साइन का. नाउ वी कम टू डी पार्ट. अब डी पार्ट में वो 4/4 कह रहा है, इक्वल नंबर हो गया ऊपर नीचे, तो इसकी वैल्यू ही 1 हो गई ना, क्योंकि अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगी देन आई विल गेट माई क्वेश्चन एज 1. तो ये आ गया इक्वल. द नेक्स्ट वन ऑल्सो, एज द अबव एंड द बिलो नंबर आर सेम, दे कैन कट ईच अदर बाय 1, सो इट इज इक्वल. सो मूविंग अहेड वील टेक वन मोर क्वेश्चन. ओके, यस. What fraction of a day, इस टाइप के questions आते हैं proper fraction में which is important. What fraction of a day is 8 hours? दिन को घंटों से compare करना है. Okay. So I mark this as question 4, A part. अब एक दिन में compare करना है hours से, तो day को मुझे hours में convert करना पड़ेगा. One day equals to 24 hours. Now what fraction are they asking? They are asking fraction of, कितना पूछा है, of a day is 8 hours. Fraction of a day is 8 hours. कितना हिस्सा दिन का 8 घंटे होता है. तो हम क्या करेंगे, numerator upon denominator. Numerator में क्या लेंगे, 8 आवर्स को देखना, तो 8 लेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 24. नाउ यू मस्ट हैव लर्न्ड हाउ टू रिड्यूस द फ्रैक्शन. अगर कोई नंबर किसी के टेबल में जाता है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं. तो 8 1 8, 8 3 24, तो ये आ गया 1/3. इसका मतलब 1/3 ऑफ द डे इज 8 आवर्स. आप देखिए 24 घंटे में अगर आप उसके 8 घंटे निकाल देते हैं तो वो एक तिहाई हिस्सा हो जाता है पूरे दिन का. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स. अब देखिए, अब आवर्स और मिनट्स को कन्वर्ट करना है बेटा, तो आप पहले आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे 1 आवर, और अगर सेकंड्स में करना होता तो आप 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करते. 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. अब उसने पूछा है
क्या पूछा है उसने कि 40 मिनट्स आर का कितना हिस्सा है। करते हैं, आपको बताना है फ्रैक्शन ऑफ एन आर इज 40 मिनट्स, कितना फ्रैक्शन होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज 40 मिनट्स अपॉन 60, दिस यू कैन कैंसिल, दिस बिकम्स 4/6 एंड नाउ बोथ गो इन द टेबल ऑफ 2, सो 2/3 ऑफ द टोटल टाइम इज 40 मिनट्स, सो हाउ विल यू रीड 2/3 ऑफ एन आर। अगर आपको कोई काम करने के लिए हम 2/3 ऑफ एन आर देते हैं तो बेसिकली आपको हमने 40 मिनट दिए हैं। होपफुली दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन इज क्लियर। जस्ट टू वाइंड अप दिस, आई विल अगेन टेल द डेफिनेशन दैट प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विद अ न्यूमरेटर हैज़ टू बी क्लियरली लेस दैन द डिनोमिनेटर। ये आप ध्यान रखेंगे। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो वील कंटिन्यू इन आर नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.